एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी शिप विद प्रति टू। और आज के वीडियो में आप सभी के लिए लेटेस्ट सीबीएसई बोर्ड का अपडेट। सो कल ही मेरे साथ ऐसा हुआ था, किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे एक नोटिफिकेशन भेज दिया और कहा कि सीबीएसई ने रिलीज कर दी है न्यू एग्जाम डेट, आपने कोई वीडियो इस पे क्यों नहीं बनाया। देन आई चेक इट आउट एंड इट वॉज फेक न्यूज। सो अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है ये हम देखते हैं। ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है। समवन सेड मी दैट प्लीज प्रोवाइड अस द लिंक ऑफ योर आर्टिकल, लाइक आप जैसे वीडियो बना रहे हो। सो दिस टाइम आई विल अटैच द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो इन केस यू वांट टू रीड इट यू कैन। अभी ये है खबर कि सीबीएसई बोर्ड 2020 का न्यू एग्जाम डेट्स जो है वो एकदम तैयार है, यानी कि प्लान रेडी है सीबीएसई का। इम्पोर्टेंट मैसेज जो सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स के लिए देने वाली है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैसेज गाइज ये है कि सारी तैयारी हो गई है, बट एग्जैक्ट बोर्ड एग्जाम शेड्यूल जो है बाकी सभी डिटेल्स के साथ तभी अनाउंस किया जाएगा जब पूरी कंडीशन को रिव्यू कर लिया जाए। इट मीन्स दैट आफ्टर 14 अप्रैल, और यू कैन से ऑन 14 अप्रैल आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम्स कब होने और शेड्यूल जो है एग्जैक्टली पता चल जाएगा। दिस वाज सेड बाय यूनियन एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक सेड ऑन संडे। सो क्योंकि एचआरडी मिनिस्ट्री रेगुलरली रिव्यू कर रही है सिचुएशन, जिस तरह से कॉलेजेस का स्कूल्स का नुकसान हो रहा है लॉकडाउन में, तो वो ना हो इसके लिए सारी इवैल्यूएशन के लिए जो प्रोसेस है और जो पेंडिंग एग्जाम्स को लेके शेड्यूल है वो तैयार हो गया है कम्प्लीटली। एक बार 14 अप्रैल आ जाए, पता चल जाए देश की क्या स्थिति चल रही है, और जो भी स्थिति होगी उस हिसाब से आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा। नाउ कोरोना वायरस आउटब्रेक इन इंडिया स्टैटिस्टिक्स देखते हैं हम, तो भाई सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है। दूसरी बात कि स्कूल्स को कॉलेजेस को खोलने की जो प्रक्रिया है वो भी आपको पता चल जाएगी कैसे होना है कैसे नहीं, क्योंकि गाइज 800 यूनिवर्सिटीज 40,000 कॉलेजेस एंड 12,000 स्टैंड अलोन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है वो बंद पड़े हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, बिसाइड 1 लाख स्कूल्स इन द कंट्री। टाइम टेबल आपको बता दिया गया है यहाँ पे कि अगर आपको एग्जाम फियर है, वेल होगा नहीं क्योंकि देखो इतना लंबा वक्त हो गया ना, आई डोंट थिंक सो कि अब आपके पास एग्जाम फियर का भी होगा कि मुझे डर लग रहा है एग्जाम होगा या नहीं। इनफैक्ट सभी स्टूडेंट का भी करवा दो जैसे भी करवा रहे हो पेपर। सो पहली बात ये, इफ यू आर गेटिंग फियर कि भाई एग्जाम्स की वजह से दिक्कत आ रही है, क्विक टिप्स यहाँ पे दी गई हैं। टाइम टेबल, पहली बात तो ये आपको अपना खुद का रूटीन बनाना है। रूटीन से मतलब स्टडिंग आवर का, पूरे दिन का हर एक एक्टिविटी का मत बनाना, आई सजेस्ट यू। सो जस्ट मेक योर टाइम टेबल फॉर वॉट योर स्टडी आवर्स, ओके, फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। लाइक आपका जिस सब्जेक्ट का भी एग्जाम रह गया है उस पर फोकस कीजिए, ऑल सब्जेक्ट्स का यहाँ पे एक्चुअली विल नॉट वर्क। स्लीप वेल, आई होप सो यू गाइस आर स्लीपिंग वेल बिकॉज बहुत सारा वक्त है। हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सो व्हाइल राइटिंग एन आंसर मेक श्योर यू हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर किसी के भी बाकी 4 एग्जाम्स अच्छे नहीं गए हैं एंड यू आर थिंकिंग दैट कि नहीं हमें अच्छा परफॉर्म करना है, रिजल्ट अच्छा चाहिए, तो जो आपका लास्ट एग्जाम है उसमें अच्छे से मेहनत कर लेना, आई थिंक दैट विल वर्क। सो दिस वॉज लेटेस्ट नोटिफिकेशन बाय सीबीएसई बोर्ड। आई होप यू गाइज फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, इफ सो देन प्लीज लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब स्टडीशिप विद प्रति 2 फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो कॉन्टेंट। विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो।